भागलपुर के नवगछिया नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर ओपी थाना क्षेत्र बलाहा निवासी हरिलाल सिंह के बासा के समीप गंगा नदी की उपधारा में छोटी नाव के पलट जाने से 40 वर्षीय लाल बहादुर सिंह की मौत नदी में डूबने से हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि नाव पर करीब एक दर्जन से अधिक लोग सवार थे, लेकिन डेंगी की नदी में डूबते ही चीख पुकार मच गई और नाव पर सवार कई लोग किसी तरह तैरकर बाहर निकल गए। वहीं लोगों की चीख पुकार सुनकर आसपास के कई लोग मदद के लिए पहुंचे, लेकिन लाल बहादुर शाह को नदी से बाहर निकालने के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। बता दें कि शनिवार की सुबह बलाहा गांव के एक दर्जन से अधिक लोग एक छोटी नाव में सवार होकर चक्रामी दियारा स्थित खेत पर फसल कटनी करने जा रहे थे, तभी गंगा की उपधारा से चक्रामी दियारा पहुंचते ही नाव अचानक पलट गई और उस पर सवार सभी ग्रामीण नदी में डूब गए, जबकि इस दौरान लाल बहादुर सिंह को छोड़कर सभी लोगों ने किसी तरह से तैरकर अपनी जान बचाई। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची भवानीपुर ओपी की पुलिस टीम ने लाल बहादुर शाह के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं भवानीपुर ओपी में पदस्थापित मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि क्षमता से अधिक लोगों के सवार होने से नदी की उपधारा में छोटी नाव पलट गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि अन्य सभी लोग तैरकर नदी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। केना हाल है? लाभ चढ़ल है सबको, आधा नदी गेल है तो वजह लाभ डूबी गेल। कत्ते लोग रहे नाव पर? 12 गो होती है। 12 गो? हाँ, यह होती है। कितना महिला रहे ओकरा में? महिला बेसी महिले रहे। अच्छा, 3-4 गो खाली अथी, 3-4 जेंट्स रहे, 3-4। करीब कितना बजे घटना होले? 5 बजे। 5 बजे सुबह में? हाँ। कहाँ जा रहे नाव? जा रहे वही पर दीरा, वही पर चक्रामी घाट। नहीं नहीं, यही खेत जा रहे थे आप लोग? हाँ। अच्छा, मकई काटते हैं? हाँ, मकई। की नाव गले आपने? सुलेखा। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से भागलपुर प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए नई शिक्षक बहाली नियमावली 2023 को लेकर विरोध जताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। वहीं हल्ला बोल के दौरान बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से राज्य सरकार को जल्द इस नई नियमावली में बदलाव करने की बात कही गई, जबकि मांग नहीं माने जाने पर सड़क से सदन तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई। इधर प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने सरकार से उन सभी को राज्यकर्मी का दर्जा देने और पुरानी पेंशन को लागू करने के साथ अन्य मांगों को पूरा करने की बात कही। हालांकि विरोध प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि नियोजित शिक्षक पर अगर सरकार को विश्वास नहीं है तो वो सभी सरकार की बात पर कैसे विश्वास करे कि बीपीएससी परीक्षा के तहत उन सभी शिक्षकों को सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में धरना और विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से छात्र हित से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय में सही समय पर पढ़ाई, परीक्षा और परिणाम मिले इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे पठन पाठन समेत किसी प्रकार की परेशानी छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय में नहीं हो। इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री धीरज कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय से कुलपति रोजाना गायब रहते हैं और छात्र छात्रा जब अपनी समस्या लेकर विश्वविद्यालय जाते हैं तो उनकी कुलपति समेत कई पदाधिकारियों से मुलाकात नहीं हो पाती है और ऐसे में छात्रों की समस्या कम या खत्म होने के बजाय और बढ़ जाती है। साथ ही TMU कुलपति की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए विश्वविद्यालय से उन्हें त्यागपत्र देने की बात कही। छात्र नेता ने कहा कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की जाती है तो विद्यार्थी परिषद छात्र हित में अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए आंदोलन लगातार जारी रखेगी। हम सभी को पूर्व में ही ज्ञात है कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय बिहार का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय बन चुका है जहाँ की शिक्षा का बात ही नहीं है। यहाँ के छात्र सड़क पर त्रस्त है, गर्मी में बेचैन है और उनकी समस्या को सुनने वाले कोई नहीं है। या तो कुलपति यहाँ से वापस चला जाए अपना त्यागपत्र देकर, या अगर वो है तो वो छात्रों की समस्या की समाधान की बात करे। हम उन्हें हमारे काम के लिए वो बैठे हैं, वो हमारे छात्र के विषयों के समाधान को लेकर वो यहाँ पर कुलपति के नाते बैठे हैं, लेकिन उनका सिर्फ और सिर्फ मीटिंग ही एकमात्र साधन है।
अगर आपको मीटिंग ही करना है तो आप इस विश्वविद्यालय से विनम्र आग्रह करती है विद्यार्थी परिषद की वो वापस जाए, अन्यथा अगर आप विश्वविद्यालय में है तो सारे शिक्षक पदाधिकारियों को उनको काम दीजिए और छात्र के जितने प्रकार की समस्या है उनका समाधान करिए। हम सभी को ध्यान में है कि लगातार कई प्रकार की मांगों को रखा गया है लेकिन यह प्रशासन सारे मांगों को अनसुना कर रही है। भागलपुर के कुपाघाट महर्षि मेही आश्रम में शनिवार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का निर्माण दिवस मनाया गया। इस दौरान गुरु सेवी भागीरथ दास जी महाराज की अगुवाई में सदगुरु महर्षि मेही का महानिर्वाण कार्यक्रम संपन्न हुआ। बताया जाता है कि सदगुरु महर्षि मेही परमहंस महाराज ने 8 जून 1986 को अपने शरीर को त्यागने से पूर्व वहाँ मौजूद भक्तों के बीच में जो अंतिम शब्द कहा था वो शब्द था, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। इन्हीं शब्दों के बाद गुरुदेव महर्षि मेही की वाणी शरीर रूप में सदा के लिए बंद हो गई और सांसें थम गई। वहीं शनिवार को महापरिनिर्वाण दिवस को लेकर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ध्यानाभ्यास किया गया जबकि इसके बाद सत्संग कार्यक्रम हुआ। साथ ही प्रातः 7 बजे से सभी साधु मंडली का महर्षि मेही परमहंस की समाधि स्थल पर जाने का सिलसिला शुरू हुआ जहाँ सभी ने हाथ में फूलमाला लेकर अपने आराध्य सदगुरु महाराज के आदमकद तस्वीर पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस दौरान प्रथम सदमत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज ने पुष्पांजलि किया। इसके बाद स्वामी गुरु सेवी भागीरथ दास जी महाराज ने गुरुदेव को पुष्पांजलि अर्पित किया। वहीं इसके अलावा प्रवचन और सत्संग कार्यक्रम भी आयोजित हुआ जिसमें हजारों की संख्या में गुरु सेवी और श्रद्धालुओं ने शामिल होकर सदगुरु महर्षि मेही परमहंस को नमन किया। कार्यक्रम में प्रमोद बाबा, सत्य प्रकाश बाबा, निर्मलानंद बाबा, गुरु प्रसाद बाबा समेत कई गुरु सेवियों ने गुरुदेव को याद कर उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की बात कही। मौके पर आश्रम के पंकज दास, अजय जायसवाल, ब्रह्मदेव कुमार, पुनीत कुमार समेत काफ़ी संख्या में सत्संग प्रेमी मौजूद रहे। भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में 24वीं प्रसार शिक्षा परिषद की बैठक आयोजित हुई जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यों की समीक्षा करते हुए BAU द्वारा कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे शोध और नई तकनीक पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने कहा कि BAU में कृषि विज्ञान केंद्र बेहतर कार्य कर रहा है लेकिन इसमें निरंतरता बनाए रखने के लिए हर महीने कृषि विज्ञान केंद्र की बैठक कर कार्यों की समीक्षा की जाए जिससे आगे के कार्यों की रणनीति तैयार कर और बेहतर ढंग से कार्य किया जा सके। कुलपति ने कहा कि इसके लिए किसानों से चर्चा कर उसकी आवश्यकता को जानना और उनके सुझावों को सुनकर कार्य योजना तैयार की जाए और कम से कम 5 किसानों के सफलता की कहानी को संकलित कर विश्वविद्यालय मुख्यालय को भेजी जाए। साथ ही कहा कि प्राकृतिक खेती की कार्य योजना बनाकर उस पर कार्य करना होगा। इसके अलावा भारत सरकार के कृषि आयुक्त डॉक्टर PK सिंह ने भी कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए बाजार की मांग के अनुरूप किसानों को भी कृषि तकनीक से लैस किया जाना आवश्यक है। वहीं भारत सरकार CACP के सदस्य डॉक्टर NP सिंह ने कहा कि खेती की नई तकनीकों से किसानों को अवगत कराने के साथ ड्रोन विमान के व्यवहार को खेती से जोड़ना होगा जबकि कृषि उत्पाद के निर्माण के लिए किसानों को जागरूक करना आवश्यक है। इसके अलावा उन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा देकर मानव स्वास्थ्य को बेहतर करने की बात कही। बैठक में भागलपुर के सहायक निदेशक उद्यान, नालंदा की प्रगतिशील किसान अनीता देवी, बांका की वंदना कुमारी के अलावा पूर्णिया के शशि भूषण ने भी अपने विचार व्यक्त किए। भागलपुर जोगसा थाना क्षेत्र अंतर्गत लानी लक्ष्मीबाई चौक के समीप स्थित नौलखा कोठी के पास स्थानीय लोगों को घायल अवस्था में एक लावारिस बच्चा मिला जो अपने बारे में कुछ भी बताने में सक्षम नहीं दिख रहा था। वहीं लोगों द्वारा पूछने पर बच्चे ने कहा कि उसकी याददाश्त चली गई है और उससे अपने नाम के अलावा कुछ भी याद नहीं है। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों द्वारा 112 नंबर पर कॉल कर मामले की जानकारी पुलिस को दी गई जिसके बाद 112 की टीम मौके पर पहुंची और बच्चे को लेकर तिलकामांझी थाने गई लेकिन इसके बाद क्षेत्राधिकार के मामले को लेकर तिलकामांझी पुलिस ने बच्चों को जोगसर थाना भेज दिया। वहीं जोगसर पुलिस द्वारा पूछे जाने पर भी बच्चे ने कुछ नहीं बताया लेकिन कुछ ही देर बाद बच्चे के माता पिता उसे ढूंढते हुए थाने पहुंचे। बच्चे की पहचान आदमपुर काली मंदिर निवासी मिठू शर्मा के 13 वर्षीय पुत्र यश शर्मा के रूप में हुई है जो बीती शाम से ही लापता हो गया था और उसकी तलाश में माता पिता काफ़ी परेशान थे।
इधर माता पिता का कहना है कि यश अपने स्कूल का कोई सामान लेने पास में ही जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन काफ़ी देर हो जाने पर भी वो वापस घर नहीं लौटा तो उन लोगों को बच्चे की चिंता होने लगी। हालांकि माता पिता द्वारा पूछे जाने पर काफ़ी देर बाद बच्चे ने बताया कि वह स्कूल का सामान लेने तिलका मांझी की ओर चला गया था, जहाँ एक अजनबी ने उसे चॉकलेट दिखाकर बहला फुसला कर ले जाने की कोशिश की, लेकिन कैंप जेल की रोड की ओर जाने पर बच्चे ने हिम्मत दिखाते हुए अजनबी व्यक्ति का हाथ छुड़ाकर वहां से भाग गया और इसी क्रम में वह नौलखा कोठी के पास एक बाइक से टकरा गया।